विद्युत निगम दौलपुर के एएन उमेश अग्रवाल फिर से निलंबित। निगम के सचिव प्रशासन भगवत सिंह ने किया निलंबित। विद्युत निगम दौलपुर के एएन उमेश अग्रवाल को आज मंगलवार को जयपुर से एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया है। ये आदेश विद्युत निगम जयपुर के सचिव प्रशासन भगवत सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि उमेश अग्रवाल एएन ए द्वितीय जयपुर डिस्कॉम दौलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता ONM जयपुर डिस्कॉम करौली निर्धारित किया गया है, जहां वे तत्काल रिपोर्ट करेंगे। कलेक्टर को नहीं थी निलंबित करने की शक्तियां, इसलिए आदेश लिया वापस। आपको बता दें कि विद्युत निगम के AN उमेश अग्रवाल को पूर्व में दौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की ओर से निलंबित किया गया था, लेकिन सोमवार को उन्होंने निलंबित करने का आदेश वापस ले लिया, जिसके बाद दौलपुर जिले में चर्चाओं का बाजार तेजी से गर्म हो गया और इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि कलेक्टर द्वारा जो आदेश वापस लिया गया था, उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि सरकारी नियम कानून कायदों की वजह से ऐसा हुआ। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकारी नियमों के अनुसार जिला कलेक्टर की ओर से विद्युत निगम के AN को निलंबित नहीं किया जा सकता, बल्कि जिला कलेक्टर इसके लिए निगम के उच्च अधिकारियों को रिकमेंडेट कर सकते हैं। जब जिला कलेक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आदेश वापस ले लिया और विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा। इसके बाद आज AN उमेश अग्रवाल को फिर से निलंबित कर दिया गया है।